हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। जिला उत्तर पूर्वी जिला के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के भगीरथी बिहार में एक डबल मर्डर हुआ है। हम बता दें कि ये वो भगीरथी बिहार है जहां पर गोकुलपुरी थाने को मंडे की सुबह 7:19 पर एक PCR कॉल प्राप्त होती है कि मकान नंबर G245 में डबल मर्डर हो गया है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो सामान बिखरा होता है। और वही हम बता दें कि उत्तर पूर्वी जिला के DCP जॉय एंड टिर्की के मुताबिक 4.5 लाख की इसमें ज्वेलरी मिसिंग है। और क्राइम टीम, हम बता दें कि उत्तर पूर्वी जिला की 4 एजेंसी यहां पर शामिल हैं, स्पेशल स्टाफ, AATS, नार्कोटेक्स और लोकल पुलिस इसमें शामिल है। और आसपास के लगे जितने भी CCTV कैमरे हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं बता दें कि DCP जॉय एंड टिर्की ने जो जानकारी दी है वो इसमें बता दें कि एक 72 साल के बुजुर्ग हैं जिनकी हत्या की गई, जिनका नाम राधे श्याम है, उनकी बीवी जिनकी उम्र 68 साल है जिनका नाम बीना है, इन दोनों ही एक चारपाई पे अमृत अवस्था में पड़े हुए मिले हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे थे और इनके फर्स्ट फ्लोर पे इनके जो बेटा है और बहू वो थे। और इनको पता लगा सुबह 7:19 पर जब PCR कॉल की गई गोकुलपुरी थाने को। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया हत्या और लूट का। और पुलिस टीम आसपास के लगे जितने भी CCTV कैमरे वो खंगाले जा रहे हैं। वहीं DCP जैन तिर्की का कहना है कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझा लिया जाएगा। मेरा नाम अली हसन है, RWA जनरल सेक्रेटरी इंदिरा विहार फेस वन। अली हसन जी, कब की वारदात थी, कैसे आपको बताया? ये आज रात की वारदात है, जो मास्टर राधे श्याम ये रहते हैं और इनकी बीवी दोनों का जो मर्डर हुआ है, ये गली नंबर 13/6। ये अपने मकान में बहुत काफ़ी अरसे से रहते हैं और ना इनकी किसी से कोई दुश्मनी, बिल्कुल मास्टर जी भी और इनकी बीवी बहुत सज्जन व्यक्ति थे दोनों। और ये पता चला है कि 3 महीने पहले इन्होंने अपना मकान 50 गज बेचा था और उसके 5 लाख रुपए बयाने के आए थे, तो उसी चक्कर में कोई ऐसे किसी ने CID हुई है तो ये सारा सामान बिखरा पड़ा है अंदर, जो कंडीशन देखिए। लूट भी बताई गई? हाँ, सारा का सामान बिखरा हुआ पड़ा अंदर।